नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रतिज्ञा का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट्स तो रहेगा, लेकिन आप उसमें यूज करते हैं ट्रू कलर, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल आते हैं, बैंक से वगैरह डिटेल्स मांगते हैं, फिर आप उड़ा के आपका फोन से पैसा ले जाते हैं, फोन पे या फिर गूगल पे से। लेकिन दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि ट्रू कलर सेफ है? क्योंकि हम लोग का जो ट्रू कलर है वो अलाउ मांगते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स का जो डाटा है उसका ट्रू कलर का डाटाबेस में चले जाता है। तो आपको क्या पता कि ट्रू कलर का डाटाबेस कितना सेफ है, कितना सिक्योर है? क्योंकि अगर एक बंदा आपका अगर आप नाम दे देते हैं ट्रू कलर में, अपना नाम सेव कर देते हैं, फिर आपका जो नाम है, जो भी आपका नंबर डालेगा तो आपका नंबर मतलब नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक बंदा आपका नाम भी डाल देता है तो कभी कभार आपका नंबर भी आ जाता है। तो ये कैसे सेफ रहा? तो कोई भी आपका नंबर पा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब गूगल एक तो नया अपना कॉलर आईडी मतलब प्ले स्टोर में अपना एप्लीकेशन डाला है, जो कि है गूगल कॉलर। तो आज की इस वीडियो में मैं यूज करके दिखाऊंगा गूगल का जो कॉलर आईडी है कितना सेफ है, और गूगल का पावर्ड बाय गूगल है तो ये हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फोन में जो जीमेल यूज करते हैं, प्ले स्टोर पर सब तो गूगल है, तो गूगल का पर भरोसा मंद है, क्योंकि गूगल अपने डाटाबेस में लीक कर जो डाटाबेस में डालेगा तो उसको लीक नहीं करेगा, इतना हम लोग को कंफर्म है। तो मैं बता देता हूँ, जो एप्लीकेशन है इसमें ऐड वगैरह कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, तो मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा वो एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया कि ट्रू कलर मतलब आपका मतलब ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसका डाटाबेस में आप लोग का कॉन्टैक्ट डाटा जाता है, जो कि ये कभी भी लीक कर सकते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है। तो अभी गूगल अपना एक तो नया एप्लीकेशन निकाला है गूगल फोन, जो कि मैं आपको बताया था, अभी मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा दूंगा। तो ये है गूगल फोन। आप प्ले स्टोर में जाके फोन बाय गूगल कॉलर आईडी सर्च करेंगे। फिलहाल ये बीटा फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप इसको जिसे लिखा है गूगल LLC, ये ऑफिशियल गूगल का एप्लीकेशन है। तो अगर आप इस बीटा फॉर्म में इंस्टॉल आपको ऑप्शन नहीं दिखाता है तो स्क्रॉल करके नीचे जाना है। इधर आपको URL बीटा टेस्टर में इधर में ज्वाइन किया था, तो आपको इधर ज्वाइन ऑप्शन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपका बीटा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ऐसे लिखा है, तो अभी मैं फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं, देन देखते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपको लिखा है URL बीटा टेस्टर, फ्यूचर अपडेट विल इंक्लूड बीटा वर्सन। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आप ट्रू कलर यूज करते हैं तो उसमें UPI का भी ऑप्शन होता है, आप ट्रू कलर से किसी बंदा को पैसा भेज सकते हैं, जैसे गूगल पे फोन पे यूज करते हैं। तो इसमें वो फीचर नहीं है अब तक, जो भी ट्रू कलर में फीचर था, तो गूगल इसमें बहुत सारा फीचर इम्प्लीमेंट करने वाला है फ्यूचर में। फिलहाल के लिए बीटा में है, इसलिए ये ऑप्शन आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं भी ट्रू कलर यूज करता हूँ, तो फोन ओपन करने के बाद तो आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेट फोन एज डिफॉल्ट। अगर मैं डिफॉल्ट में क्लिक करता हूँ तो आपको इधर आ जाता है कॉन्टैक्ट्स का। जैसे मैं आपका कॉन्टैक्ट, मेरा डिफॉल्ट रियलमी फोन यूज कर रहा हूँ, तो मेरा इधर कॉन्टैक्ट डिफॉल्ट आ जाता है, तो फोन ट्रू कलर आता है। तो अभी मैं गूगल का ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए गूगल को मैं बना देता हूँ अपना डिफॉल्ट कॉलर आईडी। तो गूगल को मैं डिफॉल्ट अपना कॉलर आईडी बना दिया, देन आपको इधर अपना कॉन्टैक्ट दिखा देगा, जो जो आपका सेव किए हैं। तो मेरा इतना कॉन्टैक्ट है जो मैं अभी सेव किया हूँ, जो भी मैं सेव नहीं किया हूँ अब तक, तो वो भी दिखा देगा कैसे। तो अगर आप इसका सेव नहीं करते नंबर, तो गूगल इसको आइडेंटिफाई करके आपको दिखा देगा क्या क्या आपका नंबर इधर सेव है। इधर आपको रिसेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, रिसेंट आप जिसको जिसको कॉल किए हैं तो उनका नाम भी दिखा देगा, और ये सेव भी नहीं है वो भी शो कर देगा। तो अब इधर मैं क्लिक करता हूँ तीन डॉट पे, क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। सेटिंग्स में ऑप्शन आप डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले ऑप्शन। तो इधर आप अपने जैसे आईडी बनाते हैं तो आप फास्ट नेम दे देंगे, नेम फॉर्मेट की तरह। तो आपको इधर डार्क थीम का ऑप्शन है, मेरा डार्क मोड ऑन है, इसलिए डार्क मोड डिवाइस सेटिंग ऑन। अगर इसमें डार्क मोड आपके फोन में नहीं है तो आप ये एप्लीकेशन को डार्क मोड की तरह यूज कर सकते हैं। देन बैक करते हैं, बैक करने के बाद आपके इधर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आता है। तो आप इसको सिलेक्ट करने से आपका जो वाइब्रेशन साउंड है, आपका जो इनकमिंग कॉल, अगर आप वाइब्रेट करना चाहते हैं या फिर इनकमिंग कॉल को साइलेंट करना चाहते हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। क्विक रेस्पॉन्स का ऑप्शन आता है, कॉलिंग अकाउंट्स, ब्लॉक नंबर्स, वॉइस मेल, एक्सेसिबिलिटी, असिस्टेड डायलिंग, कॉलर आईडी एंड स्पैम, नियर बाय प्लेसेस। क्विक रेस्पॉन्स अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे आपका मैसेजेस में आ जाता है अलर्ट कि क्विक रेस्पॉन्स कांट टॉक नाउ व्हाट्सएप जैसे आता है, तो इसमें भी अलर्ट फीचर है। तो आप इसको अगर ऐड कर देंगे, अगर आप किसी काम में बिजी हैं या फिर बाइक चला रहे हैं, कुछ भी है, तो आप कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको ये मैसेज चला जाएगा। बैक करने के बाद कोई इधर कॉलिंग अकाउंट्स का ऑप्शन आता है, तो मेरा सिम 2 में अपना सिम है इसलिए सिम दिखा दिया।
ब्लॉक नंबर अगर मैं क्लिक करता हूँ टू प्रोटेक्ट यू बेटर फोन नीड्स टू चेंज हाउ ब्लॉकिंग वर्क्स योर ब्लॉक नंबर विल नाउ स्टॉप बोथ कॉल एंड टेक्स्ट मे बी शेयर्ड विद अदर एप्स। तो आप जिसको ब्लॉक कर देंगे अलाउ में अगर मैं क्लिक कर दिया तो अननोन नंबर आप ये जो फीचर अपना घर का फोन में यूज कर सकते हैं। तो आपका मम्मी पापा कोई भी यूज करते हैं तो उनका फ्रॉड कॉल ज्यादा आता है, तो उसमें आप ब्लॉक नंबर को अगर मतलब अननोन नंबर को अगर ब्लॉक कर देंगे तो अननोन कॉल ये फोन में नहीं आएगा। ये समझ लीजिए जो जो कॉन्टैक्ट आपका फोन में सेव है वो बस आएगा, अननोन नंबर नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको बैक करता हूँ, बैक करने के बाद आपको इधर वॉइस मेल का ऑप्शन आता है, तो नोटिफिकेशन में क्लिक करता हूँ तो वॉइस मेल इधर मेरा ऑन है, जो भी आपका मैसेज आएगा मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं एडवांस सेटिंग में जाता हूँ, सर्विसेज में क्लिक करते हैं तो अपना अब नेटवर्क दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। अब जो आपका नंबर है सेट करने के बाद कोई भी बंदा आपका नंबर अगर ढूंढता है गूगल कॉलर आईडी में तो वो भी शो कर देगा। तो एक्सेसिबिलिटी में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मोड है, एसेसिबिलिटी डायलिंग में क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ऑन रहेगा क्योंकि डिफॉल्ट है। कॉलर आईडी एंड स्पाम, तो इसी कलर आईडी एंड स्पाम इसको ये ऑफ रहेगा, कभी कभार ऑफ भी आप कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं, मेरा पहले से डिफॉल्ट ऑन था। तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो जो भी मतलब आपका जो अननोन नंबर आपका फ्रॉड भी जो भी आपको कॉल करता है तो उसका कॉलर आईडी शो करेगा या फिर आपका जो स्पाम नंबर या फिर बिजनेस आईडी शो कर देगा, मतलब जो भी जहां पर भी कॉल करता है तो फ्रॉड कभी कभी दिखाता है या फिर अपना बिजनेस आईडी शो कर देगा। जैसे आपका कॉलर आईडी इसको अगर आप ऑन कर देते हैं, जैसे लिखा है गूगल विल अटेम्प्ट शो यू यूजफुल इन्फॉर्मेशन व्हेन यू रिसीव अ कॉल सच एज अ नेम और नंबर इज नॉट इन योर कॉन्टैक्ट्स और अ वार्निंग व्हेन एन इनकमिंग कॉल इज सस्पेक्टेड टू बी स्पाम। तो गूगल भी ये मतलब बोल रहा है कि स्पाम कॉल अगर है तो ये नोटिफाई करेगा, मतलब गूगल का हम लोग को ट्रस्ट है तो ये फीचर हम लोग का ये फोन एप्लीकेशन में काम कर जाएगा। तो ये था इस फोन का जो एप्लीकेशन का फीचर्स मैं आपको बता दिया, नियर बाय प्लेसेस इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये फोन ये जो एप्लीकेशन है ये फुल्ली डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ये फीचर पूरा इम्प्लीमेंट फुल्ली नहीं हुआ है। तो फ्यूचर में बहुत सारे फीचर्स आ जाएगा इसमें, जैसे कि अभी बीटा प्रोग्राम में अवेलेबल है तो आप इसको बीटा प्रोग्राम में ज्वाइन हो कि अभी तक ये जो एप्लीकेशन है आप इसको यूज कर सकते हैं, आपका फोन में ये मतलब स्टेबल की तरह काम करेगा। लेकिन जब ये सक्सेसफुली आ जाएगा तो आपको फिर से इंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट करने के बाद बहुत सारे फीचर इधर गूगल ऐड कर देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं गूगल पे या फिर कॉलर आईडी के थ्रू स्पैम कॉल्स फ्रॉड कॉल्स बहुत सारे फीचर ऐड कर देगा, इसमें आप कॉन्टैक्ट डायरेक्ट सेव कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है गूगल का ये, मान लीजिए कि ये ट्रू कलर से बेटर है तो अभी मैं ट्रू कलर अपने अनइंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरे को मिल गया गूगल का कलर आईडी। ट्रू कलर में डाटाबेस लीक होता है, क्या कवर अलाव का ऑप्शन बहुत सारा मांगता है, लेकिन इसमें आपको अलाव का कुछ भी नहीं मांगा, जस्ट आपका फोन में इंस्टॉल हो गया। आपका मेल आईडी जैसे है वैसे ही आपका गूगल जीमेल जैसे इंस्टॉल होता है उसे इंस्टॉल हो गया, आप जीमेल को सिंक्रोनाइज कर दिए ऑन हो गया, ऐसे ही फीचर है। लेकिन ट्रू कलर में अलाउ दिस डिवाइस टू मेक दिस फोन कॉल्स, अलाउ दिस डिवाइस टू मेक योर फोन गैलरी, ऐसे ऐसे धूम सारा ऑप्शन मांगता है। तो आपका आपको नहीं पता होगा, मतलब फ्रंट में तो चलता रहेगा लेकिन बैक में क्या आपका जो बैक एंड में क्या आपका डाटा लीक हो रहा है वो तो भरोसा नहीं है, लेकिन गूगल है। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे में आप कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये एप्लीकेशन कैसा लगा। तो बने रहिए साथ, बोलते रहिए बात माता की।